जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मिर्जा यूनुस बेग साहब, जो कि मेन मार्केट गुलबर्ग मुस्लिम नून ट्रेडर विंग के सदर हैं। आइए उनसे जानते हैं कि 2 नवंबर को पीटीआई जो इस्लामाबाद में धरना दे रही है, वो क्या कहेंगे उस वाले से। पूरे पाकिस्तान की परेशान है, कारोबार ना होने के बराबर है। आप मार्केटों में चले जाएं, भूख का आलम है, कारोबार ठप पड़े हुए पूरे पाकिस्तान के। ये जो धरना सियासत है, इसको ख़त्म होना चाहिए मुल्क से। और जीरक सियासतदान है, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, लोगों की वोट लेकर आए हैं, ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट में डिस्कस करें, रोडों पर डिस्कस ना करें। खुदारा मेरी गुजारिश होगी इमरान खान साहब से कि इस कौम पे, इस मुल्क पे आप रहम करें। बहुत हो गया ये तमाशा जो है ना, बहुत हो गया। हम ताजर बरादरी अब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ना हो कि हमें भी आपके खिलाफ सड़कों पे आना पड़े। मैं चाहता हूँ खान साहब, आप अपना किबला दुरुस्त कराओ। हाँ, आपका आना दुरुस्त था, अगर हमें भी नज़र आता तो मुल्क में कुछ नहीं हो रहा। आज देखें मईशत पाकिस्तान का पहिया चल रहा है, कारोबार बेहतर हो रहे हैं, रूट्स बन रही हैं, डैम्स बन रहे हैं, लोड शेडिंग 2018 का खात्मा हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है, दुनिया उसको सराह रही है, IMF उसको सराह रहा है, और पाकिस्तान के लोग खुशहाल हो रहे हैं। और आपको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जब भी पाकिस्तान खुशहाल होने लगता है, अवाम खुशहाली की तरफ गामजन होते हैं, आपको धरना याद आ जाता है। बराए मेहरबानी, आप, मैं नहीं आपको कहता, आप जो है अपना कोई मुल्क के खिलाफ कोई ऐसा जहन बनाए हुए हैं, मगर आप दर पर्दा आलमी एजेंडे का जो है उसको तकवीत दे रहे हैं। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को हल करें। ये फैमिली का मामला है, हम एक ख़ानदान की मानद है पाकिस्तान के लोग, ठीक है। हमें एक दूसरे के दस्तों गरबानी होना चाहिए, बातें करें, बैठ के करें, बाशऊर हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो बराए मेहरबानी हम पे तरस खाएँ, इस कौम पे तरस खाएँ।